हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGCADA 2.0 में। और आज हम लोग करेंगे बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये आपका पूछा गया है 19 तारीख ब्रह्मा महीना 2019 का क्वेश्चन है और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी मेरे पुराने हैं वो क्लास को देखते हैं तो कम से कम लाइक कर दे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के वीडियो आपको प्रत्येक दिन आपको 4 बजे मिलेगा। ठीक है, 4 बजे आपको दिन में अपलोड कर दिया जाता है और अभी 7 बजे आपका बिहार पुलिस का चल रहा है। तो दोनों को आप लोग देखिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट के किसी चयनित भाग को काटते हैं तो टेक्स्ट दस्तावेज से हटा दिया जाता है और अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर रखा जाता है, इसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। हम लोग बार बार इसको पढ़े हैं कि कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पर कॉपी इसको करना, ठीक है, कॉपी करेंगे यानी कंट्रोल सी करेंगे तो ये क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। जैसे हम लोग अपने एमएस वर्ड को देखते हैं, चलिए हम लोग एमएस वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर कोई भी चीज को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए पेस्ट अभी नहीं है, हाईलाइट कट नहीं है, कॉपी नहीं है। यहाँ पर हमने अपना चैनल का नाम लिखा, UGCADA 2.0 लिखा, ठीक है, और इसको हम लोगों ने कॉप सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। अब देखिए अब पेस्ट करने के लिए हम लोग का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, यानी क्लिप बोर्ड में चला जाता है। क्वेश्चन का मतलब यह हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि सवाल है बाबू कि एमएस एक्सेल 2016 में मौजूदा वर्कशीट से पहले नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए सही क्रम कौन सा विकल्प प्रस्तुत करता है। एमएस एक्सेल में मौजूदा वर्कशीट से पहले नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले होम टैब में जाएंगे, सेल्स ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट में जाएंगे। ओके, तो आप लोगों से एक आवश्यक सूचना कि अभी तक आप लोगों ने रिटर्न तो पढ़ रहा, जो भी विद्यार्थी जिनके पास लैपटॉप है घर में रखे हुए हैं या डेस्कटॉप रखे हुए हैं वो टाइपिंग मारना चाहते हैं तो टाइपिंग आप सोनी टाइपिंग आप लोग परचेज कर सकते हैं। वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा, बहुत से चैनल को मिल जाएगा। और अभी हम लोगों टाइपिंग बाबा फ्री में आपको प्रोवाइड कराता है रेमिगेंटन कीबोर्ड मंगल फॉन्ट में, तो आप लोग वहां से टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी का। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर जो बेल्ट्रॉन का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें वीडियो को डाला गया है, 2 पार्ट में वीडियो को बनाया गया है, दोनों को आप लोग देख लीजिए और आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल उसी तरह से आपको एग्जाम में लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल पॉपअप की नंबर टैब में निम्नलिखित में से कौन सी एकमान श्रेणी नहीं है। डेसिमल जो है एकमान श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। हम लोग Shift+F3 का प्रयोग करेंगे। Shift+F3 एमएस एक्सेल में क्या कह रहा है, Shift के साथ F3 बटन को प्रेस करना है। देखिए आ गया ना इंसर्ट फंक्शन करने के लिए। ओके चलिए वापस हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो बिग जो है वेब ब्राउजर का उदाहरण है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला फायरबॉक्स है, ये सब वेब ब्राउजर का उदाहरण है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल है विंडोज XP में निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट मेनू आइटम इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है जो उपयोगकर्ता शुरू या उपयोग कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फॉर ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम जो है ये आपको विंडोज एक्सपी में निम्नलिखित कह रहा है कि स्टार्ट मेनू आइटम इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है जो उपयोगकर्ता शुरू या उपयोग कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑल प्रोग्राम। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब की शैलियों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल्दी से शैलियों की एक श्रेणी को फॉर्मेट करता है और इसे पूर्व निर्धारित तालिका शैली चुनकर तालिका में परिवर्तित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेट अस टेबल। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट अस टेबल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है जो स्पीकर है। स्पीकर जो है यह आउटपुट उपकरण है। नेक्स्ट सवाल है एमएस एक्सेल 2016 में किसी सूत्र की कॉपी करते समय सूत्र के केवल मान को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पेस्ट विशेष विकल्प का उपयोग किया जाता है। वैल्यू जो है विशेष विकल्प का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण, बिल्कुल आप लोग शांतिपूर्वक क्लास को देखें, वीडियो को लंबा कर लें, ठीक है, बिल्कुल समझ में क्लास आएगा, इधर उधर ध्यान मत भटकाएं, ठीक है। सवाल क्या करा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण अपनी जैविक विशेषताओं के माप न द्वारा व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर लिया जाता है। हो सके तो आप लोग हेडफोन का प्रयोग कीजिएगा, ज्यादा आवाज आपको अच्छा मिलेगा, याद भी होगा। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेलों के समूह में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पंक्तियों और कॉलमों के चौड़ाई और ऊंचाइयों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मेट, देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग एमएस एक्सेल में चलते हैं, ये फॉर्मेट है ना, यहाँ पर रो हाइट कॉलम विड्थ यहाँ पर बढ़ाने और घटाने के लिए दिया हुआ रहता है, इसी के बारे में बोल रहा था फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध स्लाइड लेआउट नहीं है। चार कंटेंट जो है वैध स्लाइड लेआउट नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल कह रहा है एक एमएस एक्सेल सीट में A1 और B2 में क्रमशः 10 और 100 है, ठीक है, फंक्शन A1.B1 का परिणाम क्या होगा। 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। दोनों गुना, यहाँ पर गुना का सिंबल है, तो 10 में हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 1 पर कितना सोना हो जाता है, 3 सोना, यानी 1000 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल को हम लोग चलेंगे। सवाल है एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है। Shift F11 जो है एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। चलिए हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल में Shift F11। Shift के साथ हम लोग F11 को प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ काम इसमें नहीं कर रहा है कि लैपटॉप वाले में, देखते हैं हम लोग कीबोर्ड से। Shift के साथ F11, देखिए बाबू यहाँ देखिए नीचे देखिएगा, देखिए यहाँ पर बढ़ते जा रहा है ना, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 के निम्नलिखित कार्यों में से कौन से दिए गए मापदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ा जाता है। सम इफ द्वारा जो है सेलों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को देखते हैं तो दोस्त एक फर्ज भी बनता है, एक लाइक कीजिए, दो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके क्लास लाता हूँ, ठीक है, रिविजन के तौर पर क्लास है, आप लोग देखिए और दोस्तों के पास जरूर इसे शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। बाकी आप लोग क्लास करिए, निम्नलिखित कहीं भी पढ़िए लेकिन क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उस लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही पढ़ता लेता है और इसे मशीनी भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम में अनुवादित करता है। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करना चाहूंगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही पूरा पढ़ता
पढ़ लेता है और इसी मशीन भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम में अनुवादित करता है। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता बनने की अनुमति देता है? टेलनेट। क्या? टेलनेट जो है से अनुमति देता है। नेक्स्ट सवाल है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम्स यूटिलिटी को प्रोग्राम को जोड़े या हटाए में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? नए प्रोग्राम को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी आकार की मान श्रेणी नहीं है? कॉल इंच जो है मान श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि टेबल की सेलों को स्वचालित रूप से उनके अंदर टेक्स्ट को फिट करने के लिए विस्तारित किया जाए तो एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट टेबल विंडो के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑटो फिट टू कंटेंट। कह रहा है कि यदि टेबल के सेलों में स्वचालित रूप से उनके अंदर टेक्स्ट फिट हो उसको क्या किया जाता है? ऑटो फिट टू कंटेंट विकल्प का उपयोग किया जाता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 23 बहुत ही अच्छा सवाल है। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल इस अंडरलाइन कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, है ना। कह रहा है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट एफ। चलिए एमएस वर्ड में हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ हम लोग बटन को प्रेस करते हैं। क्या कर रहा है? कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन को प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन। आ गया फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, देखिए तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी की है? तो असेंबली लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी की है? दूसरी पीढ़ी की है। किस पीढ़ी की? दूसरी पीढ़ी की है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग शीट में डाटा में कौन सी जानकारी बदली जा सकती है यह निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग शीट में डाटा में कौन सी जानकारी बदली जा सकती है यह निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है? तो फॉर्मेट सेल्स में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग पर सभी फाइलों फोल्डरों और स्टोरेज पर ड्राइव फिक्स्ड और रिमूवेबल दोनों के पदानुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है? विंडोज एक्सप्लोरर पदानुक्रमित सूची को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, प्रिंटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एग्जेट प्रिंटर कागजों पर छवियों को मुद्रित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, किसी स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के क्या कर रहा है? किसी स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डाटा प्रसार प्रदान करने की तकनीक को निम्नलिखित में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है? डायल अप कनेक्शन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डायल अप कनेक्शन में। नेक्स्ट सवाल है कि आप एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में सभी पैराग्राफ मार्क ढूंढना चाहते हैं, आपकी सर्च कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? पी होगी। इस तरह की कुंजी होगी। किस तरह की कुंजी होगी? इस तरह की कुंजी होगी। नेक्स्ट सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्णों की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई का कद क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है? एमएस एक्सेल 2016 में वर्णों की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई का कद क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितना होता है? तो 0 और 255 होता है। कितना होता है? 0 और 255 होता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार किस बार में स्थित होता है? तो टाइटल बार में स्थित होता है। एमएस वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में स्थित होता है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में यदि कॉलम के सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं है तो सेल में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दिखाई देता है?
हाँ इस तरह से आपको संकेत दिखाई देगा एक्सेल में। देखिए चलिए हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं ना, और यहाँ से टैब दबाए। देखिए इस तरह के कुछ 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 ऐसा करके आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, एमएस वर्ड में संभावित व्याकरण संबंधित त्रुटियां रंग लहरदार रेखा से चिन्हित होती है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो नीला, अगर व्याकरण संबंधित त्रुटियां होगी तो नीला आकार के इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से। रेड में कुछ इरर दिखाता है, गलत रहता है तो इरर दिखाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत ट्रैक चेंज विकल्प उपलब्ध होता है। रिव्यू रिव्यू है, कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत ट्रैक चेंज विकल्प उपलब्ध होता है, तो रिव्यू टैब के तहत होता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट के फॉन्ट और कद बदलने का कमांड होम टैब के किस समूह के भाग के रूप में दिखाई देता है। फॉन्ट फॉन्ट के रूप में दिखाई देता है। कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट के फॉन्ट और कद बदलने का कमांड होम टैब के किस समूह के भाग में दिखाई देता है, तो फॉन्ट में दिखाई देता है। दोस्तों 1 मिनट का हम समय लेते हैं, आप लोग वीडियो स्किप कर दीजिएगा, गला फंस रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए प्यारे साथियों, सवाल है 36। एमएस एक्सेल 2016 में थीम मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है। पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत थीम उपलब्ध है। चलिए हम लोग एमएस एक्सेल में पेज लेआउट में देखते हैं। पेज लेआउट में थीम है, बिल्कुल थीम है, शुरू में ही फर्स्ट में ही है ग्रुप में। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो गर्मी में थोड़ा बचकर भी रहना है, और हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फैन को बंद किए हुए ताकि आपको आवाज न जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है इसमें, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पूरी दुनिया में कंप्यूटर के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि विंडोज एक्सपी में फाइलों के समूह को किसमें रखा जाता है। विंडोज एक्सपी में फाइलों के समूह को किसमें रखा जाता है, वो रखा जाता है आपको फोल्डर में रखा जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट सुविधा निम्नलिखित में से कौन सी टैब में पाया जाता है। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट की सुविधा पाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे तो स्मार्ट आर्ट की सुविधा देखिए यहाँ पर पाया जाएगा। देखिए हाईलाइट हो गया ना, और स्मार्ट आर्ट के अंदर भी बहुत से शब्द को याद करना, और इंस्पिरेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट में ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स में कितने आते हैं। जैसे ये है ना, बेसिक मैट्रिक्स, ग्रिड मैट्रिक्स, टिल्ड मैट्रिक्स, 3 गो आते हैं इसमें। पैरामीटर में कितने आते हैं, तो 4 गो आते हैं। हिरेची में आएगा, इस तरह से सवाल आपको आते रहेंगे, याद रखना है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में डाटा स्रोत से नाम, पते व अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेनू का कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड क्या किया जाता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस पावर पॉइंट 2016 की कौन से टैब के तहत नई स्लाइड विकल्प पाया जाता है। होम होम टैब के तहत नई स्लाइड विकल्प पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल कह रहा है, मेल मर्ज का उपयोग करके एमएस एक्सेल 2016 में मेलिंग लेवल बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। विलय किए जाने वाले सभी डाटा स्प्रेडशीट की अंतिम शीट में मौजूद होनी चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटा स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। कोई एचटीटीपी स्थान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन काउंटर निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार का है। सांख्यिकीय प्रकार का है।
एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन काउंटर निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार का है? सांख्यिकीय प्रकार का है। नेक्स्ट सवाल है, विंडोज एक्सपी में जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है या विंडो खोली जाती है तब प्रोग्राम को दर्शाता हुआ एक आइकन निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? टास्क बार में दिखाई देता है। कह रहा है विंडोज एक्सपी में जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है या विंडोज खोली जाती है तब प्रोग्राम को दर्शाता हुआ एक आइकन निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? टास्क बार में दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, एमएस वर्ड 2016 के किस्से में मेल मर्ज निम्नलिखित में से किस प्रकार के दस्तावेज में डाटा स्रोत से आयोजित नाम और पते हैं? एनवेलप या लेबल? एनवेलप या लेबल जो है से डाटा स्रोत से आयोजित नाम और पते हैं। चलिए एमएस वर्ड में देख लीजिए, एनवेलप इस तरह के एनवेलप और लेबल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है, एमएस वर्ड में कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजनों का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का प्रयोग हम लोग कुंजी संयोजन का उपयोग करने में करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल की पृष्ठभूमि को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बटन का उपयोग किया जाता है? फिल कलर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फिल कलर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है यहाँ पर कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का प्रयोग हम लोग करते हैं एमएस पावर पॉइंट 2016 में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। देखते हैं हम लोग, चलिए एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल एम को दबाते हैं। कंट्रोल के साथ एम बटन आ रहा है ना, देखिए स्लाइड इस तरह से हम लोग स्लाइड लाते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में किसी प्रस्तुति के दौरान स्लाइड के बीच मूविंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में किसी प्रस्तुति के दौरान स्लाइड के बीच मूविंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो प्रस्तुति के दौरान पिछली स्लाइड पर लौटने के लिए एस्केप कुंजी को दबाना होगा, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? केवल एक डिफॉल्ट वर्कशीट खोला जाता है, डिफॉल्ट सेल फॉर्मेट जनरल है, दोनों सही। क्या है? दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का प्रकार नहीं है? फोल्डर नहीं है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा, लेटर एंड ईमेल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल पर दाएं क्लिक करके दिखाई देने वाला पॉपअप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? शिफ्ट सेल अप नहीं रहता है। शिफ्ट सेल अप नहीं रहता है। एमएस एक्सेल में हम लोगों को उसमें राइट क्लिक करना, ठीक है, सेल अप नहीं है रहता है, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट सवाल को चलेंगे हम लोग। सवाल क्या कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू स्लाइड को आसानी से पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस एक्सेल 2016 में संरचित वर्कशीट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? उन प्रोटेक्ट सेल्स का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उन प्रोटेक्ट सेल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जिसे नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करने के लिए सीपीयू की नियंत्रण इकाई में रजिस्टरों और नियंत्रण सर्किट का एक सेट होता है। दूसरा कि सीपीयू में कार्यक्रम निष्पादन के दौरान डाटा को संग्रहित करने के लिए रजिस्टरों का एक सेट होता है। दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? पेन ड्राइव जो है अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशंस को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विंडोज एक्सपी के रन डायलॉग बॉक्स में विंडोज
exe टाइप करें, कह रहा है कि विंडोज एक्सपी के रन डायलॉग बॉक्स में विंड वर्ड exe टाइप करें, तो एमएस वर्ड बिल्कुल विंडोज के साथ आर बटन कीजिएगा, विंड वर्ड लिखिएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस वर्ड खोलकर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या अधिकतम निम्नलिखित में से कितनी होती है, तो 31 होती है। वर्कशीट जो होता है ना नामकरण करने के लिए, इस तरह से 31 हो सकता है। नेक्स्ट सवाल और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल के पते इस तरह से है, कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को इंगित करता है जो मेल सर्वर के होस्टिंग कर रहा, .com जो है से इंगित करता है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा तो लगा ही होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज कभी खराब नहीं जाता है, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास जाते जाते शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्त। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि छोटे भाई को सपोर्ट की जरूरत है और हमें आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और अभी आप लोग जाकर देख सकते हैं 7 बजे वाली जो क्लास है, आपको बिल्कुल बिहार पुलिस की अपलोड कर दी जाएगी रात्रि में, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, टाइपिंग मारते रहिए।